अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलकाता पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दो दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं जेपी नड्डा और पार्टी के कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कोलकाता के हेस्टिंग्स में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर एक बार फिर से हैं जेपी नड्डा। दो दिनों का उनका ये कार्यक्रम है और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे कोलकाता में। 9 जिलों में पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम, तो ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का। और इसी के तहत पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दो दिनों का उनका ये अहम कार्यक्रम है। तो पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद की तस्वीरें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इससे पहले भी उन्होंने दौरा किया था जब वहां पर निकाय चुनाव हुए थे उस दौरान, लेकिन अभी उनका ये दूसरा कार्यक्रम है और ये दो दिनों का दौरा है पश्चिम बंगाल का, जिसमें जेपी नड्डा पार्टी के कई कार्यालय हैं जिनका उद्घाटन उनको करना है, उसमें शामिल होंगे। कोलकाता के हेस्टिंग्स में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और 9 जिलों में अलग अलग जगहों पर पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन का कार्यक्रम जेपी नड्डा का। एक बार फिर से जेपी नड्डा पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल दो दिनों के दौरे पर और वहां पर और भी उनके कार्यक्रम हैं। खबर ये भी है कि कार्यकर्ताओं को भी आज संबोधित कर सकते हैं, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और इसके अलावा 9 जगहों पर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। हेस्टिंग्स एरिया है जहां पर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और फिर दोपहर 3 बजे उनका भवानीपुर जाने का भी कार्यक्रम है। भवानीपुर के बारे में आपको अपडेट ये दे दें कि वो सीट है जो ममता बनर्जी जहां से विधायक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी के गढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं और वो वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल कोलकाता पहुंचने के बाद की उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्वागत पे वहां उनके कार्यकर्ता थे उन सभी का वो अभिवादन स्वीकार करते हुए। शाम को खबर ये भी है कि वो कालीघाट मंदिर भी जा सकते हैं जो कि बहुत मशहूर है कोलकाता का, वहां जाकर मां का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो बंगाल में फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो मौजूदा स्थिति है। लोकसभा चुनाव 2019 की, 18 सीटें बीजेपी, वोट प्रतिशत आप देखिए 40% से ज्यादा। 2019 की ये तस्वीर लोकसभा चुनावों की, जिसमें 18 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर काम कर रही है पार्टी को मजबूत करने का, चाहे वो लोकल कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम हो या फिर वहां की जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम हो। पंचायत चुनाव की तस्वीर देखिए, 2018 बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आई थी 2018 में। फिर 2016 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो बीजेपी को पहली बार 3 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी, यानी कि एक तरीके से खाता खुला था। लोकसभा चुनाव जब 2014 में हुए तो बीजेपी को 2 सीट और 17% वोट हासिल हुआ था। लोकसभा चुनाव 2019 18 सीटें, 40% से ज्यादा वोट। पंचायत चुनाव 2018 दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी पंचायत चुनाव के दौरान, और ये 2016 की तस्वीर विधानसभा चुनावों की, बीजेपी को 3 सीटें पहली बार मिली थी। और एक बार फिर से अब अगले चुनावों की तैयारी बीजेपी किस तरह से कर रही है जमीनी स्तर पर, खुद अभी आपने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, वो भी लगातार वहां पर लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी। और अब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज से 2 दिनों का उनका कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं वो और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक ये भी है कि आज वो पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। 9 जिलों में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।
हेस्टिंग्स में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और उसके अलावा 9 जिलों में भी। इसके साथ ही भवानीपुर जाने का भी कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, जो भवानीपुर में होंगे और वहां पर और नहीं अन्याय कैंपेन की शुरुआत भी आज कर सकते हैं। फिलहाल आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में, आप देखिए विधानसभा चुनावों की स्थिति। 211 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 44.91% वोट परसेंटेज उनका था टीएमसी का। फिलहाल तस्वीरें फिर से देखिए, कोलकाता में जेपी नड्डा का स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर बीजेपी ने किस तरह से की है ढोल नगाड़ों के साथ। 2 दिन का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। इससे पहले भी वो पश्चिम बंगाल में रहे थे, जब वहां पर ग्रेटर पश्चिम बंगाल में वो पहुंचे थे। और देखिए अब दोबारा से हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए होंगे। और पश्चिम बंगाल में पहले कार्यालय का उद्घाटन करने का कार्यक्रम, लोगों से मिलेंगे वो, कार्यकर्ताओं से जाकर बातचीत करेंगे। चुनाव हालांकि जिस तरीके से नजदीक है तो उससे पहले जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। भवानीपुर भी जाने का कार्यक्रम है जहां पर एक कैंपेन का हिस्सा भी बनेंगे जेपी नड्डा, और लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मछुआरों के प्रतिनिधियों से भी मिलने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। आप सीधे रुक कर लेते हैं, पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ गई हैं जो ज्यादा डिटेल्स के साथ हमें जानकारी देंगी। पूजा, 2 दिनों का ये दौरा जेपी नड्डा का, पहुंच चुके हैं कोलकाता, क्या कुछ होना है इन 2 दिनों के दौरान? पूजा आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए उनसे कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, फिर से उनके पास हम लौटेंगे। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं और 2 दिनों का उनका ये दौरा है। 2 दिनों में कई अहम कार्यक्रम है और खास तौर से वो लोकल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कार्यालय का उद्घाटन भी करना है। फिर से एक बार आपको स्थिति बता देते हैं, 2016 की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जब हुए तो क्या पार्टियों की अलग अलग स्थिति रही। तृणमूल कांग्रेस की आपने देखा 211 सीटें जीती, कांग्रेस 44 सीटें जीती थी 2016 में। उसके बाद सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती थी 19.75 वोट परसेंट के साथ, सीपीआईएम की ये 2016 की स्थिति। फिर बीजेपी 3 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान, 10.16 वोट परसेंटेज रहा। अन्याय के खाते में 10 सीटें गई थी 2016 में। ये 2016 के पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी स्थिति। और अब एक बार फिर से चुनावों की तरफ है पश्चिम बंगाल, चुनाव तैयारियां हर पार्टी की तरफ से की जा रही है और बीजेपी भी जोरों शोरों से जमीनी स्तर पर पहुंचकर अपनी तैयारी कर रही है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.